पूरे भारतवर्ष के अंदर में बुद्ध वापस आ रहा है ऐसा लग रहा है आपके माध्यम से, और गगन मल्लिक फाउंडेशन के माध्यम से आज बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ, जैसे कि 84,000 मूर्तियाँ आज पूरे देश भर के अंदर वितरित हो रही है। हम देख रहे हैं चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर, हर जगह पर इस मूर्ति को वितरित किया जा रहा है। तो आगे गगन मल्लिक फाउंडेशन का और क्या मिशन है, सिर्फ बुद्ध मूर्ति ही देना है या और भी कुछ बुद्ध धर्म के बारे में कुछ भी प्रसार करना? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 84,000 मूर्तियाँ वितरण है, देखो जो विहारों में मूर्तियाँ चाहते हैं होनी चाहिए वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, लोगों के बीच में बांट रहे हैं। मूर्ति वितरण जो है ये लोगों को जोड़ने का एक क्रम है। जब मूर्तियों का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा आरबी, अमरावती, चंद्रपुर, यवतमाल, इतनी सारी जगहों पे जो प्रोग्राम किए गए उसमें कितनी संख्या में लोग आए, तो इन इवेंट्स ने उन सबको जोड़ने का काम किया। यहाँ से संदेश और जाएगा, तो धम्म का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। मूर्ति वितरण हमारा पहला चरण है, आखिरी नहीं है। यहाँ तो लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जैसे ही हम जुड़ेंगे, जुड़ते चले जाएंगे, तो फिर समय आएगा एक बौद्धमय भारत का। आप ये मत भूलिए कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 1% है, लेकिन बाबा साहब को सपोर्ट करने वाली उनके फॉलोअर जो हैं वो 35% है। जब सभी जुड़ जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि बौद्धमय भारत नहीं होगा? क्योंकि धम्म में इतना दम है कि बौद्धमय भारत जरूर होगा। मूर्ति वितरण एक लोगों को जोड़ने का हमारा एक लोगों को जोड़ने की कोशिश है, जैसा आप देख रहे हैं जुड़ भी रहे हैं। और बहुत सारी और भी हमारे काम हैं, धीरे धीरे गगन मल्लिक फाउंडेशन बहुत सारे काम करेगी, मेडिटेशन सेंटर भी बनाएगी, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होंगे, अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करेंगे, अनाथ बच्चों के लिए भी काम करेंगे, वो हम कर ही रहे हैं। और बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर की संघ हमें सपोर्ट कर रही है, बाहर के डिवोटीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सपोर्ट हमें आने वाले समय में और भी मिलेगा। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे लोग जागृत होने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम हर बार हम क्या बाहर के लोगों से लेंगे? बुद्ध हमारे वहाँ से वहाँ चले गए, है ना, यहीं से बुद्ध जी गए ना, धम्म भी यहीं से गया। तो अब समय आ गया है कि हम भी जागृत हों और एक कदम आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें एक दूसरे को हर काम के लिए, तो सारे काम जो हैं संभव होंगे। सर, अभी अपने को भारत के बाहर के भारत के बाहर जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, ज़्यादातर सबका है थाईलैंड, जो कि वर्ल्ड बुद्धिस्ट कैपिटल है एक तरह से। थाईलैंड का समर्थन है हमें, वियतनाम तो आप देख ही रहे हैं, और श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, सारे देश हमारे साथ जुड़े हैं। अब हमें टारगेट करना है कोरिया और जापान को। वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो मुझे लगता है कि और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और एक सवाल था आपका आखिरी, कि जहाँ पे आज के तारीख में लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, मगर एक आपका जो ये मूर्ति वितरण का प्रोग्राम हो रहा है और जहाँ पे वापस से बहुत सारे लोग एक जगह पे आ रहे हैं कोरोना के कारण 2019 से लेकर 2020-21 तक का जो काल देखा गया, मगर अब आपके हर प्रोग्राम में ज़्यादातर पे लोगों की भीड़ दिखी जा रही है और लोग एक वापस नए नए लोग बुद्ध धर्म के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना भी कि कुछ दिन पहले कुछ लोग भंडारा में, नागपुर में भी इसी प्रोग्राम के बीच में कुछ धम्म दीक्षा भी लेने की सोच रहे हैं। आने वाले समय में जो धम्म दीक्षा लेना चाहता है हम उनके लिए पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे धम्म दीक्षा भी दी जाएगी। एजुकेशन के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें आगे उस फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना कि लोगों को जोड़ने का एक तरीका है। मूर्ति वितरण तो सिर्फ नाम है ना, मूर्ति तो कोई अपने आप भी ले सकता है, लेकिन इससे लोग जुड़ते हैं, तो वो एक हमारा बहुत बड़ा कार्य जो है आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसे कि अभी गगन मल्लिक जी ने हमको बताया कि बुद्ध मूर्ति आज घर घर तक पहुंच रही है, और आज बुद्ध से सबको लगाव हो रहा है। बुद्ध तो भारत से थे, मगर भारत के बाहर हर देश में बुद्ध थे और बुद्ध ही रहेंगे, और बुद्धमय भारत बनने के कगार पर है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वो गगन मल्लिक फाउंडेशन से जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा गगन मल्लिक फाउंडेशन से जुड़कर ये मूर्तियाँ जो गगन मल्लिक फाउंडेशन से मिल रही है वो अपने अपने विहारों में प्रस्तावित करें, अपने घरों में प्रस्तावित करें। जय भीम, जय भारत।